महागठबंधन की गठनेता शान ए हिंद साहिबा को ये कहा कि हमने आपको जो गठनेता का लेटर जो एजेंडा दिया है वो गलती से दिया है। इस पर हमने उनसे कहा कि महागठबंधन ने जो है पूरे नियम का पालन करते हुए गठबंधन के गठनेता को अपॉइंट किया। आप जो है अगर इस तरीके के शान ए हिंद साहिबा से गठनेता ना होने का अगर आप दावा करते हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी और इन्हें पूरा मौका दिया जाना चाहिए। आप विभागीय आयुक्त से इस बात की पूरी मालूमात मंगवा लीजिए। उस बुनियाद पर पिछली मीटिंग तयकुब हुई थी। आज मेरा सवाल जो था कि इलेक्शन के बाद दो मेजर चेंजेस जो है वो हुए हैं गठ बनाने में। कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक कॉरपोरेटर जो है बाय इलेक्शन में चुनकर आया है और महागठबंधन की जानिब से एक कॉरपोरेटर बाय इलेक्शन में चुनकर आया है, लेकिन इस तरीके की कोई मालूमात मालेगांव महानगर पालिका को नहीं है। तो हमारा ये बोलना था कि इस हिसाब से जो फ्रैक्शन बनता है, जो स्टैंडिंग में और महिला बाल विकास समिति में जाने के लिए फ्रैक्शन और तनासुब बनता है, उस हिसाब से MIM के दो सदस्य जाते हैं, इसलिए आपको इस पर मुकम्मल मालूमात लेना चाहिए। तो इस बात को कमिश्नर साहब जो कि इस मीटिंग के पीठासन अधिकारी थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए विभागीय आयुक्त से पूरी मालूमात लेने की वजह बताकर आज की मीटिंग को तय किया। नेता तब्दील होता है या कोई सदस्य कम होता है, नियम 5 के अनुसार उसकी इंफॉर्मेशन मालेगांव महानगर पालिका को होनी चाहिए। यहाँ पर मालेगांव महानगर पालिका के जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने सिर्फ गठ नेता के लिए क्लियरिफिकेशन मांगा। आप यहाँ पे दोहरा मयार कारपोरेशन के जिम्मेदारों का देख रहे होंगे, जबकि तीन चेंजेस हुई थी। जनता महागठबंधन का गठ नेता तब्दील किया गया, उसी के साथ महागठबंधन पे बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद जो बाय इलेक्शन हुए उसमें मुस्तकीम डिग्निटी साहब मुंतखब होकर आए, और इसी के साथ कांग्रेस का जो बाय इलेक्शन हुआ था उसमें जो है फारूक कुरैशी की जो है BBU मुंतखब होकर आई। ये दो मेजर चेंजेस होने के बाद भी किसी तरीके की जो है मालूमात विभागीय आयुक्त की जानिब से कॉरपोरेशन को मौसूल नहीं हुई। तो ये है पिछले मुद्दे से रिलेटेड ही ये बातें थी। हमने कॉरपोरेशन के प्रशासन में खुले तौर से जानबदारी का इल्ज़ाम आयद किया कि आपको सिर्फ गठ नेता की तब्दीली में क्यों इतना इंटरेस्ट था, जबकि कायदे के हिसाब से तीन तीन तब्दीलियां हुई थी, आपने तीनों तब्दीलियों का जिक्र क्यों नहीं किया आपके लेटर में। और इसमें आप कई लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। गठ नेता के मामले में आप महागठबंधन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे, उसी तरीके से स्टैंडिंग में और महिला बाल विकास में जो मेम्बरान भेजना है अगर आप ये नाइंसाफ़ी करेंगे तो उसमें MIM के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तनासुब के अतबार से MIM के मेम्बर्स ज़्यादा जाएंगे स्टैंडिंग और महिला बाल विकास। आज स्थायी समिति के नए मेंबरान के चुनने के लिए मीटिंग ले गई थी, जहां महागठबंधन के गठ नेता की हैसियत से जो डिविजनल कमिश्नर के पास ये बात दोबारा साफ हो गई कि मैं जो हूँ वही गठ नेता हूँ महागठबंधन के। तो इसमें पहले ऑब्जेक्शन लिया गया अपोजिशन लीडर की तरफ से, जो गैर कानूनी अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने यह कहा कि भाई 30 दिन के अंदर जो है वो
रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जबकि जब हमने रजिस्ट्रेशन किया तो हमने डीले के लिए लेटर दिया। लेटर देने के बाद हमारा प्रस्ताव उन्होंने एक्सेप्ट किया महागठबंधन का और उन्होंने माना। अब जब कल डिविजनल कमिश्नर की तरफ से जो लेटर आया उसमें तीन अहम बात थी। सबसे अहम बात ये थी कि हमने जो है पहला प्रस्ताव को ही हमने एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी बात ये थी कि बार बार जो है कॉरपोरेशन भेजा सवाल इस इशू पे डिविजनल कमिश्नर से ना करें। और तीसरा ये था कि जो अतीक अहमद कमाल अहमद ने जो ऑब्जेक्शन लिया था, ऑब्जेक्शन गैर कानूनी है ऐसा उन्होंने कहा था। और आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने भी ये कहा कि गठबंधन के गठनेता जो है वो शान हिंद है और आपको जो ऑब्जेक्शन ले रहे थे उनको जवाब दे दिया गया था कि यू आर नॉट गठनेता। आज की जो मीटिंग हुई, किस लिए मीटिंग ली गई थी और क्या हुआ? आज की जो मीटिंग थी घटनेता लोग की और सभागृह नेता की और विरोधी पक्ष नेता की, महापौर की मीटिंग आयुक्त नगर सचिव की तरफ से बुलाना था कि भाई जिसकी जो संख्या बढ़ है, संख्या बढ़ बताया जाएगा और वो हिसाब से आप पाकिट देना तो हम उसका पाकिट खोलें, ऐसी मीटिंग थी। इसके पहले अगले हफ्ते में मीटिंग शुरू हुई तो वहाँ ये विषय निकला कि भाई घटनेता कौन। अभी ये हुआ फिर कि विभागीय लेटर भेजोगे घटनेता कौन है वो बताएंगे। फिर वहाँ से लेटर आया विभागीय आयुक्त तरफ से और वो लेटर का हवाला दिया गया, वो पत्र का हवाला दिया गया जो तो पहले महानगर पालिका में 8 महीना पहले आ गया। मेरा बोलना ऐसा है 8 महीना पहले अगर कोई लेटर आता है तो उनका ये लोगों को समझता नहीं। अगर उसी लेटर पे डिफेंड था तो ये अगली मीटिंग में बता सकते हैं पिछली मीटिंग में कि भाई घटनेता ये है क्योंकि विभागीय आयुक्त से लेटर आया। लेकिन इन्होंने नहीं, फिर आयुक्त विभागीय आयुक्त की तरफ लेटर भेजे और वहाँ पूछे कि घटनेता कौन है तो उसने डांट के इनको बोला, महानगर पालिका के अधिकारियों को विभागीय आयुक्त ने डांट के बोला कि हमने तो तुमको लेटर भेजे फिर तुम ये बार बार सवाल काय को करो। आज ये बात हुई, डॉक्टर खालिक साहब ने ये बात उठाए कि भाई जो संख्या है मेंबरों की तो हाउस में कितनी है और पाकिट का क्या हिसाब है तो उसका हाउस में कितनी संख्या है वो संख्या बढ़ की मालूमात इनके पास है या नहीं है ये मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारी ने बोले हमारे पास मालूमात नहीं। तो ये गलती है, ये इनकी घोर गलती है, मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारियों की घोर गलती है। जबकि विभागीय आयुक्त की तरफ से हर जो भी मेंबर कोर्ट निवाल्डुम को जो भी हुई है कोर्ट निवाल्डुम के अनुसार यहाँ लेटर आ चुका है, चाहे कोई भी पार्टी की हुई, कोई भी पार्टी का उम्मीदवार जीता है उसका यहाँ पे लेटर आ चुका है। लेकिन ये लोग बोलते कि यार हमको मालूम है। अब यानी फिर इस पर यह हुआ कि अब यहाँ बहस चल रही, उससे बेहतर ये है कि मैंने सूचना दिया कि विभागीय आयुक्त से लेटर मंगा लो कि कौन सी पार्टी कितने सदस्य है, उसके बाद अब मीटिंग रख। अच्छा, घटनेता का कोई झगड़ा था? घटनेता का, घटनेता महागठबंधन के कौन रहेगा ऐसा कोई मामला आया था? नहीं, घटनेता का अभी मसला नहीं है, उस पर ये चर्चा नहीं हुई। पार्टी कमाल ने अलग है, वो जो ऑब्जेक्शन लिए थे वो लिए थे, उनका ऑब्जेक्शन की बात वो अलग है। लेकिन मीटिंग आज की जो पोस्टपोन्ड हुई वो इस बेस पे पोस्टपोन्ड हुई कि इनको संख्या ही नहीं मालूम, संख्या बढ़ी नहीं मालूम। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन स्वराज फैशन, सीजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी स्वराज फैशन रॉयल हब कोटा समोर। 2020 को मालेगांव शहर मालेगांव कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य जाने के लिए एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डॉक्टर खालिद का ये ऑब्जेक्शन आया था कि मालेगांव शहर में महागठबंधन अधिकारी का गठनेता कौन है। उस वक्त तो मैंने ये ऑब्जेक्शन दिया था कि मैंने कंप्लेन दिया है, कंप्लेन में इसमें ऐसा लिखा है कि कलम 3-4 से 30 दिन के अंदर प्रस्ताव आना चाहिए। और मेरा बोलना यह है कि बुलंद इकबाल का इंतकाल 16 सितंबर को हुआ और इन्होंने 3 नवंबर 2019 को इन्होंने अपना 3/19 को इन्होंने अपना जो भी प्रस्ताव दाखिल किया ये 49 दिन में आया। इसका मतलब ये कि यार ये 30 दिन में नहीं दाखिल किए। उस ऑब्जेक्शन के ऊपर इन्होंने वापस एक डिविजनल कमिश्नर को लेटर लिखा और सपस तो मायती मांगी कि यार क्या है आज गठ नेता कौन है। तो वापस 21 नौ को डिविजनल कमिश्नर ने लेटर लिखा
और लीडर का ये कॉपी है मेरे पास। कॉपी में उन्होंने ये लिखा है कि कलम 1987 के नियम 5 से अन्वय नोन करना चाहिए। कैसे ऐसे इन्होंने लिख के मांगा था, मगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि इन्होंने इससे पहले जो हमने 21/9/2019 को एक लेटर दिया था और 15/7/2020 को एक लेटर दिया था, उसमें उन्होंने 3-4 का हवाला दिया था। और कॉर्पोरेशन एक्ट 1987 का 3-4 ये बोलता है कि यार अगर तुमने 30 दिन के अंदर लेटर नहीं दिया है जो भी फिर बदल है, तो उसको कमिश्नर या कलेक्टर से परवानगी लेना चाहिए, और उन्होंने ये कलम से उन्होंने नहीं लिया है। तो वापस भी उन्होंने वो लेटर में ये 3-4 का उल्लेख डाला है। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि हमने प्रस्ताव इनका हमने स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया। कोई अगर आदमी प्रस्ताव देगा तो वो तो स्वीकार करेंगे, मगर उसके आगे वो लिखते हैं कलम 5(1) से हमारे पास एक दफे अगर जो गट नेता नोंद हो जाते हैं 5 साल के लिए वही रहता है, उसके अंदर कोई फेर बदल नहीं होता। इसलिए मेरा बोलना यही है कि यार ये तो एक्ट तो बोलता है, मगर उनकी जो घटना बनी थी 2017 मई में लक्षण के बाद, उसके अंदर उन्होंने घटना में एक बात ये लिखी थी कि ये जो गट नेता है ये गट नेता 5 साल के लिए रहेगा, अगर 5 साल से पहले अगर किसी को गट नेता का फिर बदल करना है तो जो उनके पास सदस्य है वो सदस्य के 90% से ज़्यादा लोग चाहिए। आज हमारे साथ 4 लोग हैं, इसलिए उनके पास 26 मेंबर में से उनके पास आज 90% से कम लोग हैं, इसलिए वो फिर बदल करने का उनका कोई इख्तियार नहीं है। और हमने ये ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, और हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब राष्ट्रवादी के अध्यक्ष थे और हम राष्ट्रवादी के निशान पर चुनकर आए। आज मुफ्ती इस्माइल साहब पार्टी बदल कर MIM में चले गए हैं, जो एक जातिवाद पार्टी है, और हम सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हमने उसको अपना सदर नहीं माना है और उसके सदर थे, इसलिए सदर का कोई आदेश हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। हमने ऐसा ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, ये सब बात हमने रखी है, और आज भी हमारा ये मानना है कि हमारा गढ़ नेता कोई नहीं है, हम राष्ट्रवादी के चिन्ह पर आए हैं, उसके सिंबल पर आए हैं, उसके निशान पर आए हैं, इसलिए राष्ट्रवादी की जो पॉलिसी है उसके जो डिसकॉर्पोरेटर है हम उसके ही बंधे हुए, कोई पार्टी छोड़ के चला गया तो हम उसके कोई जवाबदार नहीं है, और हमारा ये ऑब्जेक्शन कायम है।